Welcome back to Sanjeevani, a shot of life. This telethon here on the News 18 Network. With me, Zaka Jacob, and I'm back. I'm Alan Narasimhan. And we are now being joined by two very special individuals. Two very, very special guests, one of whom doesn't really need much of an introduction. He's had a double high in 2021. On the one hand, Himachal Pradesh, the state where he hails from, is the first in the country to have fully vaccinated its entire population. At the same time, he's seen India pull off its best ever Olympic performance just days after he took charge. He's a man who wears two different hats, the Union Minister for Sports and Youth Affairs and Information and Broadcasting, Anurag Thakur. And since we spoke Olympics, we have to welcome the other person who's just put us there, right there. The golden boy of Indian sports currently, India's first ever Olympic gold medalist on track and field, Neeraj Chopra. Anurag ji, mera pehla sawal aap se hai. You're very close to Himachal. Himachal became the first state with double dose vaccination and most importantly to vaccinate all of its population at least once. How was this possible? And what did you do to spread awareness among people? Jahan ek aur Modi ji मन की बात के माध्यम से देश भर के लोगों को जागरूक कर रहे थे, वहीं हिमाचल प्रदेश की सरकार, वहां के कोविड वॉरियर्स, वहां के हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट सब लोग मिलकर, फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ मिलकर जंगलों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, पिछड़े इलाकों में 15,000 फीट की हाइट पर नदियों में से निकल कर पिछड़े इलाकों में जाकर भी वैक्सीन लगाने का काम कर रहे थे। वृद्ध हो, दिव्यांग हो, उनको तो घर तक जाकर वैक्सीन लगाने का काम किया। जो सरकारी नौकरी वाले थे उनके लिए शाम के 5-6 बजे के बाद भी लगाने का काम किया है। और यही नहीं, हर वो कदम उठाया जिससे कि हर व्यक्ति को वैक्सीन लगाई जा सके जो उसके लिए लक्षित पात्र था। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ी उपलब्धि हिमाचल प्रदेश की है और इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने भी उनकी पीठ थपथपाई है। और मैं भी आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद जहां एक और हिमाचल के कोविड वॉरियर्स का करता हूं, वहीं पर आपकी संजीवनी प्रोग्राम का भी करता हूं जिसने जनता के बीच में जागरूकता फैलाई है। देखिए, जनता जब टीवी पर कुछ देखती है और आपने संजीवनी प्रोग्राम के माध्यम से दिखाया तो उससे बहुत बड़ा लाभ मिला है, जागरूकता फैली है। इसके लिए मैं आपके चैनल का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। अब जरा नीरज चोपड़ा से भी बात करते हैं। नीरज, एक बात बताइए, संजीवनी इस मंच पर जिसका आप अभी हिस्सा हैं, एक वैक्सीनेशन ड्राइव है, वैक्सीनेशन पर फोकस्ड है, तो मैं आपकी वैक्सीनेशन जर्नी जानना चाहूँगा। हमारा पहला वैक्सीनेशन पटियाला में हुआ था और वो हमारे साइड ने और फेडरेशन इन्होंने मिल के करवाया था सभी एथलीट्स को। और जब सेकंड वैक्सीन लगना था तो हम यहाँ पर नहीं थे, मतलब मैं और मेरी टीम, जो मेरा कोच है और फिजियो, हम स्वीडन में थे, तो वहाँ पे उधर बात करनी पड़ी थी, मतलब इजी नहीं था लगवाना, लेकिन उधर बात करके फिर वहाँ पे हमने वैक्सीन करवा लिया था। क्योंकि जब हम टोक्यो में जा रहे थे तो यहाँ पे सभी ने बोल दिया था, स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने भी और सभी एथलीट्स भी उसके लिए सहमत थे कि हम टोक्यो जाने से पहले अपने फुली वैक्सीनेटेड हो जाएं। तो फिर थोड़ी सी दिक्कत तो आई थी, पर दोनों वैक्सीन हमने लगवा ली थी। कोविड और वैक्सीनेशन को लेकर आप दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं सभी को यही बोलना चाहूँगा कि आप दोनों वैक्सीन जल्दी लगवा लें और दोबारा से हमारे देश में कोविड फैल रहा है, और कोशिश करें कि हम इसको जल्दी से भगा सकें और सभी सुरक्षित रहें, सभी खुश रहें अपनी फैमिली के साथ और दोबारा फिर हम नॉर्मल लाइफ जी सकें। जी नीरज, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप दक्षिण अफ्रीका जा रहे हैं आगे की ट्रेनिंग के लिए, आपको बहुत बहुत साधुवाद, गुड लक टू यू, थैंक यू वेरी वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। Alright, now we have a very, very special guest who's joining us. She's become the face of the WHO for all of us here in India. She's the chief scientist of the World Health Organization, Dr. Soumya Swaminathan. Thank you so much. Just in terms of India's vaccine journey so far, it's already vaccinated fully about half of its adult population. 130 crore first doses have been given. The challenge is threefold. A, there is a substantial number of people who haven't taken their second dose. So do you dose them first? Or do you give booster doses like many Western countries are giving to the elderly, to the healthcare workers, immunocompromised, because many of them took it in the early part of the year? Or here in India, we have a peculiar issue which we haven't dealt with yet, and that is the under 18s. Almost 40% of our population are under 18s, and we haven't begun the process of vaccinating them. So this threefold challenge, if you're a policymaker here in India, which one would you deal with first? So if we step back and think, okay, what are we aiming the vaccines to do? What do we really want the vaccines to do? First of all, we want to
stop people from dying of this infection, right? That's our number one goal, both in the country and globally. And we know very well that the current lot of vaccines are doing that. In fact, data from country after country has shown that the people who are in the ICUs now, the people who are dying, the vast majority are unvaccinated. So that's telling us that the priority should be get everyone vaccinated and starting with the highest risk people. That is the older age groups, people above the age of 45, and anybody younger who has underlying morbidities, underlying illnesses, underlying risk factors. This includes adolescents. These are the people who should be receiving their full course of vaccine. Once you've done that, then one can think about additional doses for the vulnerable. Thank you so much, Dr. Swaminathan, for speaking with us and also sharing your thoughts here on this platform through the course of this telethon, Sanjeevani, A Shot of Life. We're going to hear from the Chief Minister of one of the largest states in the country, and it has done remarkably well for its size, for its population, both in the second wave as well as now in terms of vaccination for a majority of adults. We're going to get a special message now from Mr. Basavaraj Bommai, the Chief Minister of Karnataka. I've been a close follower of News 18 Sanjeevani vehicle. It has travelled all over the India and even in a lot of parts of Karnataka. And early stages, when vaccination was misunderstood and there was a campaign against it by opposition parties, it was Sanjeevani vehicle which travelled across the state and brought people for vaccination, and it has played a very, very... Welcome back. You are on Sanjeevani, the telethon here on the News 18 network. It's the shot of life, and that's why we are saying hashtag Pura Tika Lagao. And it's with great pleasure that I now call upon one of the most promising rising stars of the film industry, Sara Ali Khan. Sara, thank you very much for joining us here on the Sanjeevani stage. It's great to have you. It's not a natural way of life, right? You're being locked down, you're not being able to reach out to friends and family. For many people, they found themselves isolated for large parts of time. What was your coping mechanism? How did you deal with that? So like I said, I think that it took some time. It definitely wasn't easy because from being on a high energy set, you're surrounded just by people. Surrounded by people. Yeah. You're suddenly at home, isolated. But I think that there are a couple of things. I think firstly, it's of course mom that kept me going. Then there were books and films. Understanding that the inability to do what I want to do is a relatively smaller problem. And therefore appreciating the situations that I have and being grateful for what I do have is actually what kept me going. Now we are now joined by Mr. Satnam Singh, who is the General Manager of Programs for the last 9 years in the Smile Foundation. And also joining us are Rupali Baile and A&M and Mohammed Amil, a health officer. A&M is auxiliary nurses and midwives. Mm-hmm. So they're both from Thane and they worked with the Smile Foundation. Rupali ji, aapse puchna chahenge, aap jab kaam kar rahi thi, to kis prakar ke jo ye myths the, misconceptions the, kya dar tha logo ke man mein, aur kaise aapne usko cope kiya uske saath mein? Matlab hum log slum area mein 5 saal se kaam kar rahe hain, aur jab hum log gaye to hum log ne pehle logo ka trust hum logo ne zyada us par motivate kiya, fir uske baad पहले तो डर रहे थे कि ये लोग हम लोगों को लेके तो नहीं जाएंगे करके हॉस्पिटल में, तो हम लोगों ने बताया कि वैक्सीन से, डॉक्टर ने, हमारे सर ने बताया कि वैक्सीन से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, डरने की बात नहीं है, और हम सब लोगों ने वैक्सीन ली हुई है, उसका सर्टिफिकेट है हमारा, हम दिखाते थे उनको, फिर उस हिसाब से हम लोग खड़े रहते थे कि देखो हम लोग है खड़े करके, तो उस हिसाब से वो लोग हमारे नज़दीक आने लगे और मोटिवेट करने लगे। कभी आपको लगा कि मैं क्यों ये सब करूं? नहीं। I live alone here. So they were coming from families and they decided to keep themselves separated for 2-3 months from their families. Yeah. So they were coming to field daily, and at the end of the day they were going to their homes and they were living in separate rooms so that they don't get in contact with their families. So this phase was continued for 2-3 months,
and it was more motivating for me that I am leading a team that has such members that are giving their 110%. Correct. So, पर रूपाली जी ये टफ नहीं था कि अपने घर में अपने बच्चों से अपने परिवार से दूर रहना, घर पे आते अंदर आने से पहले तुम लोग साइड में हो जाओ मैं इधर से जाऊं? मतलब सबको पता था ये तो टफ है, इसमें तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, तो हमारे फैमिली ने भी बहुत सपोर्ट किया कि कुछ नहीं कर सकते तो ठीक है हम लोग लड़े रहे. आई थिंक दैट द रीजन दैट वी आर सेफ एंड सिक्योर टुडे इज बिकॉज ऑफ पीपल लाइक यू, एंड आई थिंक दैट genuine heartfelt thank you to all of you that go out there, risk your lives, stay in these PPE kits, deal with boils on your body, stay away from your children, just so that we can be safe and secure at home with our family members. I think that it is truly, truly commendable, and you guys are the real heroes of our country, and I know that you know that, but truly Jai Hind to all of you. अब आपने इतना सब मेहनत किया है तो थोड़ा मजा भी होना चाहिए, है ना? थोड़ा सा अब मुझे ऐसा लग रहा है, इधर से अंत से नहीं बोल रहा, मैं आपको लाइव टेलीविजन पे बोल रहा हूँ, थोड़ा सा आप इनको थोड़ा चकाचक एक बार और कराएंगे? एक बार और? हाँ, इनको 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 कराइए, इनको कराइए, आपको करना पड़ेगा. हाँ, आप इनको कराइए. हाँ, चलिए, क्योंकि सच में चकाचक लोग आप लोग, आप लोग कुछ डांस कर लेते हैं लेकिन चकाचक अगर कोई है ना वो आप जैसे लोग, तो अभी आपका गाना है, आप कीजिए अभी अभी सारा. वी आल्सो हैव द वेरी वेरी टैलेंटेड कीर्ति कुल्हारी विद अस. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर गाइस. वी हैव विद अस महाराष्ट्रस मिनिस्टर फॉर एजुकेशन एंड टूरिज्म आदित्य ठाकरे. संजीवनी टेलीथॉन शॉर्ट ऑफ लाइफ वी आर ट्राइंग टू क्रिएट स्प्रेड वैक्सीन अवेयरनेस. व्हाट वी आर ट्राइंग टू से पूरा टीका लगाओ. पहले ऐसा था ना कि टीका है नहीं है, लगाया नहीं लगाया, अब कह रहे पूरा टीका लगाओ. दैट्स व्हाट इज अ सो सारा अली खान, कीर्ति कुल्हारी आर विद अस, वी आर हैविंग अ कन्वर्सेशन, लिसनिंग टू देम फ्रॉम, या सो योर थॉट्स. नो एग्जैक्टली, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई मीन वी आर वन ऑफ दोस कंट्रीज वेयर अ लॉट ऑफ आवर कंट्री इज नाउ गेटिंग वैक्सीनेटेड, अ लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग अहेड एंड गेटिंग वैक्सीनेटेड. एटलीस्ट वी डोंट हैव यू नो फियर ऑफ वैक्सीनेशन एनीमोर. आई थिंक दैट इज वेरी वेरी गुड. इट्स इंपॉर्टेंट फॉर दिस ट्रेंड टू कंटिन्यू, स्पेशली विद द न्यू स्ट्रेन्स कमिंग अप. If we've got to open up our country more, we've got to be vaccinated. I think that is very crucial. You know, Aditya, what I want to ask you is, and I think if you go back to the start of the pandemic and how various governments reacted... I don't want to go back there. None of us do. Exactly. But, you know, it was also our response, whether as a government or as a society, was also sort of taking shape as events happened. In light of the lessons learned from wave one and more importantly, wave two, how do you believe we are better prepared today in light of Omicron and everything else that may come? I think we have more medical facilities. That is very, very crucial for us because, of course, we don't want people on the hospital beds, but if at all anyone needs it, nobody should go without a hospital bed. The amount of oxygen supply, that has increased. Our response has got a little more mature nationally, globally, because we know medical protocols now. But of course, this virus is constantly moving, changing, and as it happens with the virus, so we don't know when this will turn to be an endemic. Till then, we've got to be protected. Masks are very important. Masking up is very important. Apart from that, vaccination. I think both of this. So obviously, I can't say that we're 100% sure as a state, as a country, as the world, that we can handle the virus even today, because that's a lot still not known about the virus. You know, even the new strain of Omicron, we don't know whether it's still moving faster than before, is it stronger than before, is it weaker than before. This will all depend on how things move ahead. But at least we know how to be careful. I think that is very crucial. And we have, sort of got medicines around it. Not 100%, but yes, we have, we know what is preventive and we know what is curative. So that is the balance we need to strike today. I'm going to make some space here on the stage. I'm going to get off for a bit. And because what we will do is we'll get the real heroes, the real champions to come here. And Shireen, if you can call them. Absolutely. And then Aditya, Sara and Keithi can speak to them. Let me welcome on stage the real COVID champions, the real COVID heroes, Nitin Gaikar, social activist, Suchitra Kale, an A&M worker, and Dr. Pradeep Jayabhave, in charge of the PHC at Jategaon village in Nashik. सबसे ज़्यादा जो काम किया है, सबसे ज़्यादा जो आपने अवेयरनेस फैलाई है, वैक्सीन लगवाया है, वो काम आपने ग्राउंड पे किया है. जब शुरुआत हुई थी तो किस प्रकार की अड़चनें आई थी आपके
सफर जर्नी में? जब हम शुरुआत करने वाले थे तब लोगों का सपोर्ट ऐसे अच्छा नहीं था, लेकिन जब हमारे यहाँ CYD की टीम आई और संजीवनी की टीम आई, उन्होंने लोगों से और हमारे गांव में उन्होंने कैंपियन लगवाए और शूटिंग करवाई, तो गांव के लोगों को क्या होता है, बड़े बड़े लोग जो गांव में आते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है। हाँ। और शूटिंग देख के बोलते हैं कि नहीं कुछ तो भी अच्छा हो रहा है अपने गांव में, तो उन्होंने वो शूटिंग वगैरह देखी। और कौन आया था शूटिंग के लिए? CYDA की टीम आई थी और संजीवनी की टीम आई थी। अच्छा। तो तुम लोगों के आने से वो जो हमारे टीकाकरण का तो जो बढ़ गया, जो वर्गीकरण था वो बढ़ गया, ज़्यादातर लोग आने लगे और भीड़ लगाने लगे हमें टीकाकरण करवाने के लिए। If I may ask her one thing, please. महिलांचं कसं वैक्सीनेशन रेट आहे आपल्या गावांकडे? म्हणजे महिला घ्यायला उत्सुक आहेत का वैक्सीन? अगोदर नव्हत्या, पण आता ह्या कार्यक्रमापासून बऱ्याच महिला उत्सुक झाल्या, स्वतःहून म्हणतात की आम्हाला यायचं लसीकरणाला, बऱ्या प्रमाणात सपोर्ट आहे। हो हो, बऱ्या प्रमाणात। बिकॉज इनिशियली हमने देखा की महिलाओं में काफी कम वैक्सीनेशन रेट था, फिर मुंबई हो, पुणा हो, कहीं सारे डिस्ट्रिक्ट में हमने ऐसे स्पेशल डेज रखे महिलाओं के लिए और तभी वैक्सीनेशन उनके लिए बढ़ता था। तो वही हम सोच रहे थे कि क्यों जब नॉर्मल डेज होते हैं तब उस दौरान क्यों नहीं आते, तो ये स्पेशल डेज में काफी वैक्सीनेशन बूस्ट हुआ। एक औरत को बहुत एसोसिएट किया जाता है कि शादी होगी, माँ बनेगी, सो आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट अंडरस्टूड कि व्हेन इट कम्स टू समथिंग लाइक वैक्सीनेशन, जहाँ पे एनीवे बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन फैली होती है, अ वुमन इज मोर हेजिटेंट कंपेयर टू अ मैन सेइंग व्हाट्स गोना हैपन, व्हाट हाउ विल इट अफेक्ट That certainly could be one aspect, or maybe they're just not prioritized, like they're not prioritized with things like education, etc. Well, that is something that I think absolutely we need to do something about. Absolutely, absolutely. As a country and as a society. Yeah. But Nitin ji, aapka healthcare se to kuch lena dena nahi hai. Aap fir kaise is campaign mein jud gaye? Yahan COVID mein ज़्यादातर मौतें हो रही थी, घबराहट से हो रही थी। जब भी जो COVID patient रहता था, मैं उनके पास जाता था, उनको अवेयरनेस देता था कि कुछ नहीं होता। ऐसे मैंने काम शुरू किया, काम शुरू किया तो जो लोगों एक्सपायर हो गया तो उनको अंतिम संस्कार किया। 260 लोगों को सवेरे और शाम में जो पौष्टिक खाना होता था वो खाना देने का काम किया। सुपर हीरो तो आप हैं, यू आर द रियल हीरो, और बहुत बहुत हम सब की तरफ से थैंक यू, आपने जिस प्रकार का काम किया है कोविड में, यू नो गॉड इज विथ यू सर, थैंक यू सो मच। लेडीज एंड जेंटलमैन, इट इज नाउ टाइम फॉर अस टू फेलिसिटेट दीज कोविड चैंपियंस, दीज रियल हीरोज। चल हाथ बढ़ा और साथ सभी के चल दे, एक टीके से बन जाए बात समझ ले, परिवार साथ मित्रों को शामिल करके लड़ जाएंगे टीकाकरणों के दम पे। This is from Nashik and they say पूरा टीका लगाओ, and it's a human change that they have made with the map of India. Fabulous. This is of course the first ever vaccine telethon creating vaccine awareness in India. We have a very special cast of characters here with us, men and women. Let's start with Shalini Warrier. First of all, thank you so much for being a partner. Federal Bank has been with us throughout. Thank you very much, Sakar. It's a pleasure for Federal Bank actually to be associated with this program. During this entire kind of COVID phase, there were various choices that Federal Bank had of things we could do. But I think when this idea of kind of, you know, overcoming vaccine hesitation came up, we thought it resonated very well with our whole ambition to become the most admired bank. But more importantly, that whole human relationship that is at the core of vaccine hesitation. Sangeeta, your thoughts? This is really a time to sit back and congratulate everyone who's played a tremendous role and use this to reinvigorate everybody in the system to cover the remaining. I think we have about 13.3 crore people still waiting for their vaccine. So we need to continue the drive. I need to call. We are live on television, so you can't say no. Anand Chugh, CMO Federal Bank. So we're bringing you out of the shadows and into the limelight, or under the spotlight quite literally. Thank you so much. It came as a surprise for me. And I have to thank Federal Bank especially for the support that you people have offered, and especially you've worked a lot behind the scenes quietly. And I hope the support continues. Otherwise, we won't be able to take it to the next level. That's the commitment I'm going to take from you now. Sham mentioned earlier in the day that this is just end of phase one. Yes. So, you know, our commitment remains and we remain committed to the cause.
we're not only welcoming a reality TV star, judge, but a person who's committed to the cause and he understands why we are doing this. And that's why we have to thank Terence for doing this and making this special effort. But more importantly, we've got to thank you, because without you, we wouldn't have been at 132 crore vaccinations. We wouldn't have been able to do what we set out to do. It's a wonderful cause that's been dramatized with a dance storyteller in his very signature contemporary style. ना मिटे है कभी ना मिटेंगे हम बादलों को चीर वो सूरज है हम जहां शेर दिल है खड़ा वहीं पे तिरंगा है गड़ा एक कल नया हमारा वचन रहेंगे कायम ए मेरे वतन Cause I don't